हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज है 28 सितंबर 2020 और आज था डी फार्मा फाइनल ईयर का चौथा एग्जाम, यानी कि फार्मास्यूटिकल जूरिस प्रूडेंस जो एग्जाम था वो पिछले के तीन एग्जाम से बहुत ही ज्यादा मतलब सही एग्जाम था, जिसे कहना चाहिए इजी भी आया था, क्योंकि हमारे जो पढ़े हुए टॉपिक जो मेन मेन टॉपिक थे वही आए थे, जैसे पीसीआई के और शेड्यूल वगैरह अब की बार के एग्जाम में दिए गए थे, तो इतना टफ नहीं पड़ता, लेकिन पिछले तीन एग्जाम की तरह लेंथी था। लेकिन टफ नहीं था, लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंथी था कि लिखते लिखते आपके हाथ थक जाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए, नीचे रेड बटन दिया उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यह है हमारा आज का पेपर, फार्मास्यूटिकल जूरिस प्रूडेंस का। पेपर 3 घंटे का था, पूरा पेपर 80 मार्क्स का था और एटम ऑल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों हमें करने थे। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ऑल क्वेश्चन, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, इफ देयर इज एनी डिफरेंट इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन, यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउ। ये हमें पहले से ही पता है कि हम फोन और पेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एनी टू, 3 क्वेश्चन दिए उसमें से हमें 2 करने थे। पहला था डायरेक्ट टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई और तीसरा है हमारा सेंट्रल रजिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई मैंने किया था और सेंट्रल रजिस्टर का क्वेश्चन किया था। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द कॉन्टेंट ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल्स एनी फोर, तो हमारे ए बी सी डी ई यानी कि हमारे 5 शेड्यूल दिए उसमें से हमें 4 करने थे, शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच और शेड्यूल एम हमें करने थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी, 3 क्वेश्चन है 2 करने थे। डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, व्हाट आर द ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट अंडर ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, और राइट ए नॉट ऑन होल सेल ऑफ ड्रग, तो हमने ए और सी वाला क्वेश्चन किया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में से हमें 2 क्वेश्चन करने थे। और अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे डिफाइन फॉलोइंग टर्म अंडर रिलेवेंट एक्ट, तो ड्रग, कॉस्मेटिक, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का मैंने किया था, और 1 2 3 4 5 5 में से हमें 4 करने हैं। और हमारा सबसे लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर फॉलोइंग एक्ट एनी टू, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सेसिव ड्यूटी एक्ट 1955, और बी वाला ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, और थर्ड वाला और लास्ट हमारा है पॉइजन एक्ट 1990। तो ऐसा कुछ था हमारा जूरिस प्रूडेंस का पेपर। पूरा पेपर हमारा 3 घंटे का था जूरिस प्रूडेंस का, और 80 नंबर का हमारा पेपर था, सारे क्वेश्चन हमें करने थे। अब चलिए देखते हैं हिंदी वर्जन कैसा है इसका। हिंदी वर्जन भी सेम है, यहाँ पे सब सेम दिया हुआ है हिंदी वर्जन में भी, बस इंग्लिश को ट्रांसलेट करके लिख दिया है हिंदी में। तो ये था हमारे जूरिस प्रूडेंस का पेपर जो कि हो चुका, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। और जो आज का पेपर था वो उसके अंदर पूरे हमें 5 क्वेश्चन करने थे, जो हमारे अंदर के 5 क्वेश्चन थे उनके अंदर हमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जो काफी अच्छा था और काफी इजी बना देता है हमारे जूरिस प्रूडेंस के पेपर को। तो आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि पीसीआई के बारे में पूछा था, शेड्यूल के बारे में पूछा गया था, तो काफी मेन मेन टॉपिक के बारे में पूछा गया था आपकी बार के जूरिस प्रूडेंस के पेपर के बारे में, जो ज्यादातर लोग पढ़ के पहले से जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि उनकी हेल्प हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि 2020 में जूरिस प्रूडेंस का कौन सा पेपर आया था। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।